नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि यूपी पेंशन का फाइनल प्रिंट किस तरह से निकालें। जैसा कि अभी क्या हो रहा है कि यूपी पेंशन का फाइनल प्रिंट नहीं निकल पा रहा है और बहुत लोग परेशान हैं कि वो जो है अपना पेंशन का फाइनल प्रिंट नहीं निकाल पा रहे हैं, चाहे उनका वृद्धावस्था पेंशन हो और चाहे निराश्रित महिला पेंशन हो और चाहे दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन हो, जैसा कि वो जो है अपना पेंशन का फाइनल प्रिंट ही नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आपको किस तरह से जो है यूपी पेंशन का फाइनल प्रिंट निकालना है, मैं आपको यही जानकारी इस वीडियो में एकदम क्लियरली बताने वाला हूँ। जैसा कि आप अपने मोबाइल से ही या आप अपने कंप्यूटर से ही अपना फाइनल प्रिंट निकाल सकते बहुत ही आसानी तरीके से। तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही आसानी तरीके से बताने वाला हूं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से बिना किसी ओटीपी के ही अपना पेंशन का फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले आना है। जैसा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों पेंशन का लिंक यहां पर मिल जाएगा। जैसा कि आप बिना किसी ओटीपी के अपना पेंशन का फाइनल प्रिंट निकालने के लिए आपको यहां पर तीनों पेंशन का डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, पहला नंबर ओल्ड एज पेंशन और दूसरा विधवा पेंशन और तीसरा विकलांग पेंशन। आप यहां पर देख सकते हैं कि तीनों पेंशन का लिंक आपको मिल गया ना। अब आपको क्या करना होगा, आपको इसी लिंक पर सिंपली क्लिक करना है या आपको इस लिंक को कॉपी कर लेना है या आपको इस लिंक पर डायरेक्टली क्लिक कर देना है। इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में कुछ इस तरह का ब्राउजर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिख के आ जाएगा रिकार्ड नॉट फाउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख के आ चुका है ना रिकार्ड नॉट फाउंड, और यहाँ पर एक ओके का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आपको सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ओके वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंशन का फाइनल प्रिंट का कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसा कि अभी यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर नीचे करके आप यहाँ पर कोई भी जानकारी फिलअप नहीं हुआ है। अब आपको अपना पेंशन का फाइनल प्रिंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसा यहाँ पर ब्राउजर में आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करना है, जैसा कि ऊपर लिंक दिया होगा ना, आपको सिंपली उसी लिंक पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का 4 अंक लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3149 लिखा हुआ ना। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो 4 अंक लिखा हुआ है आपको यहाँ से अपना पूरा डायरेक्टली आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करना है। जैसा कि आपका 12 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तब तो आप अपना पेंशन का फाइनल प्रिंट इस तरह से निकाल सकते हैं बिना किसी ओटीपी के। तो अब आपको यहाँ पर पूरा 12 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना है लास्ट में। और यहाँ पर आप बीच में भी देखेंगे तो 2 जगह 3149 लिखा होगा ना, तो आपको सबसे स्टार्टिंग वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग वाले में भी यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा फिलअप करना है और बीच में आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। और यहाँ पर आपका पेंशन का नाम भी लिखा होगा, जैसा कि यहाँ पर विधवा पेंशन लिखा हुआ ना, तो आप ओल्ड एज चेक कर रहे होंगे तो यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन लिखे आ चुका होगा। और अगर आप विकलांग चेक कर रहे होंगे तो यहाँ पर दिव्यांग पेंशन लिख के आ रहा होगा। तो आप जिस भी लिंक पर क्लिक किए होंगे तो आप पेंशन का नाम सेवरली लिख के आ ही जाएगा। अब आपको 2 जगह अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सिंपली फिलअप करना है, स्टार्टिंग में और लास्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से आपको देखना है क्योंकि यही लोग ध्यान से नहीं देखते, नहीं समझते हैं तो आप अपना फाइनल प्रिंट नहीं निकाल पाते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर ये 2 पॉइंट आप मिस्टेक कर देते हैं तो आप वीडियो में बार बार कमेंट करेंगे कि सर मेरा पेंशन का फाइनल प्रिंट नहीं निकाला, बार बार एरर लिख के आ रहा है। तो आपको किस तरह से अपना पेंशन का फाइनल प्रिंट निकालना है, आपको इसी तरह से निकालना है, आपको ध्यान से देखना है। आपको लास्ट में अपना पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है 12 अंकों का, और स्टार्टिंग में भी अपना 12 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है और यहाँ पर आपका पेंशन का नाम लिखा ही होगा, आपको ये चीज़ कन्फर्म हो गया होगा ना। तो इतना करने के बाद में आपको सिंपली अपने मोबाइल पे सर्च पे क्लिक करना है, आपको एंटर कर लेना है अपने कंप्यूटर में या आपको अपने मोबाइल में सर्च वाले ऑप्शन पे आपको टच कर देना है, अपने मोबाइल में सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप दोनों जगह अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के एंटर पे जैसे क्लिक करेंगे, सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो ये फॉर्म जो है पूरा फिलअप होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपका पूरा इन्फॉर्मेशन फिलअप हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपका फोटो और आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, आपका पूरा पता, यहाँ पर पूरा डिटेल में आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंशन में आप जो भी अपना डिटेल फिलअप कराए होंगे या फिलअप किए होंगे यहाँ पर पूरा आपका डिटेल मेंशन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपका अगर पेंशन बना होगा तो यहाँ पर लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक का यहाँ पर फॉरवर्ड भी हो चुका होगा। और यहाँ पर PFMS अकाउंट में जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सेप्टेड भी लिख के आ चुका होगा। और अगर आपका पेंशन का पैसा आता भी होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी तक के भुगतान का विवरण में यहाँ पर आपका बैंक का नाम भी शो होकर आ रहा होगा और कितना पेंशन का पैसा आ रहा है, यहाँ पर पेंशन का पैसा भी लिख के आ चुका होगा। अब दोस्तों, इस पेंशन का फाइनल प्रिंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं या अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से जो है आप बिना किसी ओटीपी के जो है अपना तीनों पेंशन का फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं सेवरली। आप इसी तरह से जो है एक बार जरूर प्रयास करिएगा, आपका सेवरली यूपी पेंशन का फाइनल प्रिंट जरूर निकल जाएगा। आप इसी तरह से एक बार ट्राई जरूर करिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट ऐसी जानकारी आपके लिए हमेशा बना के लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।